कुलदेवी मां नैना जी, बाबूजी महाराज ने सत सत नमन। मंच पर विराजमान हम सब के लोकप्रिय विधायक मेवराम जी, प्रधान साहिबा एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण, विराजमान माला पिता तुल्य बुजुर्गण, युवा साथी बाबा मीटर जी, आम सभा में पधारे सभी अतिथिगण, पहले तो आप सबने धन्यवाद दे दो कि आप तीजी बार इतिहास रचायो और स्वाभिमान आदो खराम वहां पर लियो। जो अभियान 5 वर्ष पहले आप माँ बाप चालू हो स्वाभिमान अभियान, तो आदो काम आप ही निपटा दिए। अब आदो काम निपटाना है, 29 तारीख में वोट पड़े हैं। इन वास्ते आप सभी निवेदन है कि मेवराम जी उद्बोधन में बतायो भुड़ाव दी है। मुख्य बात यही है कि जब चुनाव आवे, चुनाव कोई पार्टी चुनाव लड़े, कोई प्रत्याशी चुनाव लड़े, तो योजना अनुसार लड़े कि हम ये योजना लाएंगे, हमारे ये काम होंगे। जोना विधानसभा में राहुल गांधी जी घोषणा करी, अशोक जी भी चर्चा करी कि सरकार आते ही लोन माफी, प्रॉपर्टी वाला लोन माफ होया, सोसाइटी वाला लोन तो माफ होया। सरकार की जिम्मेवारी, पार्टी की जिम्मेवारी ही घोषणा करनी और सरकारी जिम्मेवारी ही उन्होंने काम करेंगे। आप 10 दिन भीतर काम कर दियो, जो घोषणा करी जो काम करियो। उनमें अभी अपना बैंक का वाला बाकी है, SBI लोन बाकी है, SBI वाला लोन उन वास्ते केंद्र सरकार में कड़ी जुड़े तो गए। राजस्थान में सोसाइटी कर सके, राजस्थान सरकार सोसाइटी वाला कर सके, केंद्र सरकार में जयपुर की कड़ी जुड़े तो केंद्र सरकार मांग कर सका। जयपुर बाड़मेर हो, जयपुर हो, दिल्ली आ कड़ी जोड़नी प्रक्रिया 29 तारीख ने वोट रहे, आपने वोट रहे, आपने वोट 29 तारीख ने हाथ में निशान मत पड़े। कांग्रेस ने बहुमत मिले, कांग्रेस ही भाजपा ने सरकार जावे, न्याय वाली सरकार आवे। जो राहुल गांधी जी घोषणा करी योजना, जो विधानसभा में योजना करी घोषणा करी है कि लोन माफी वाला, और अब केंद्र सरकार आवे तो न्याय योजना की घोषणा करी है। न्याय शब्द भी सुंदर है जिनमें लोगों ने इंसाफ मिले, न्याय मतलब इंसाफ, और ऐ न्याय योजना ऐडी है जिनमें गांव में गरीब परिवार, माजरा परिवार नहीं, गरीब परिवार की महिला रहे खाते में महीना का 6,000 रुपया और साल का 72,000 रुपया। आप यू मानो कि बिना घोषणा पत्र में चर्चा, बिना कोई घोषणा करी केंद्र सरकार जो नोटबंदी करी है उनमें सैकड़ों ज्यादा नुकसान हुए है। तो घरवी गृहिणी महिला रोड जो बरसों बताती रही है, उन्हें काबरा खर्च हो गए, काबरे पड़े जो खर्च हो गए, कि बड़ा बुजुर्गों कोई मेडिकल में खर्च हो गए, डॉक्टरी में खर्च हो गए, इन वास्ते पैसा बचाती है महिला। और एक चपेट में केंद्र सरकार उन पैसा ने उगाड़ कर दिया, एक चपेट में रातों रात वो पैसा उगाड़ा कर लिया और महिला ने हाथों ले लिया। और ये न्याय वाली योजना है, ऐडी योजना है जिनमें महिला ने पाछा पैसा मिले, जो नोटबंदी में पैसा गया वो केंद्र सरकार में पाछा पैसा आवे, पर उन वास्ते हाथ रे निशान माते वोट पड़े। 29 तारीख में बहुमत पूर्ण रूप जो बयान जी बताया, जिस प्रतिशत वोट पड़े सफल चुनाव में उन प्रतिशत में हाथ में निशान माते वोट पड़े, विधानसभा में कराए, लोकसभा में उड़ीसा में करे वोट पड़े, तो जान बहुमत बनाए दिल्ली में और केंद्र सरकार की योजना लागू रहे, न्याय वाली योजना लागू रहे और गरीब परिवार उत्थान रहे। गरीब उत्थान वास्ते आपने भी जाए हाँ, आप आशीर्वाद देवने, आप वोट मांगने, और पहले भी आपने पीढ़ियों संबंध लिया ये काम भी आपने दिखाया है और आगे भी आप अवसर दिलाओ, इन वास्ते आपने भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस